मेरे पास एक प्लेन था इंक्लाइन प्लेन था ठीक है सपोज दिस इज इंक्लाइन प्लेन और ये एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल से, ये कुछ थीटा एंगल पे, इसको हम लोग क्या ले बीटा एंगल पे इंक्लाइन था ये ठीक है उसके बाद हमने इस इस पॉइंट से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया कुछ ऐसे यहाँ के हिट करेगा ये प्रोजेक्टाइल का एंगल जो इनिशियल वेलोसिटी मैंने दिया कुछ यू यू जो इनिशियल वेलोसिटी दिया ये कुछ इस डायरेक्शन में दिया दिस इज वेलोसिटी u की मैंने u इस डायरेक्शन में दिया और इसका एंगल होरिजोनटल से मैंने अल्फा लिया था ठीक है क्या हॉरिजोटल से कितना एंगल लिया था अल्फा एंगल लिया था तो इस इनक्लाइंट से कितना एंगल हो जाएगा अगर मैं इस इनक्लाइंट से बात कर तो ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा ठीक है अच्छा यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में इस प्रोजेक्टाइल पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा होगा सिर्फ ठीक है डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट इज जी ठीक है ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसको मैं एक्स प्राइम मान रहा हूँ ठीक है और x प्राइम के जो परपेंडिकुलर है उसको मैं y प्राइम ले रहा हूं इसके परपेंडिकुलर ये इसके परपेंडिकुलर है ब्लैक वाला लाइन एंड मैं इसको y प्राइम डायरेक्शन मान रहा हूं दिस डायरेक्शन इज y प्राइम ठीक है एंड y को मैं रेड से कर रहा हूं y एक्सिस को दिस इज y एक्सिस ये है y अब g नीचे की तरफ लग रहा है तो सारे के सारे पैरामीटर्स को जो भी मोशन के पैरामीटर्स हैं मैं सबको x प्राइम और y प्राइम के डायरेक्शन में देखना चाहता हूँ लिखना चाहता हूँ ठीक है क्योंकि हमें रेंज निकालना है किसके डायरेक्शन में ये डिस्टेंस निकालना है यहां से यहां तक वो x प्राइम के डायरेक्शन में है ये नो सपोज ये s है ठीक है ये s है तो ये s किसके डायरेक्शन में x प्राइम के डायरेक्शन में है मैं सारे पैरामीटर्स को एक्स प्राइम डायरेक्शन में लिख दूँ तो मैं सिंपली एक क्वेश्चन लगा सकता हूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वा क्या लिखूंगा मैं यू को एक्स प्राइम लिखूंगा एंड ए को भी एक्स प्राइम लिखूंगा ठीक है अगर ये प्राइम डायरेक्शन में पता है ये प्राइम डायरेक्शन में पता है तो एस भी एक्स प्राइम डायरेक्शन में ही है तो सारे पैरामीटर्स को मैं एक्स प्राइम डायरेक्शन में लिखूंगा ठीक है अच्छा ये मैक्सिमम हाइट जो है यानी कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लिनेशन हाइएस्ट पॉइंट पे होगा ये सर नो और ये हाइस्ट पॉइंट इसको एस में जो लिख रहा हूँ इसको मैं आर लिख देता हूँ दिस इज नॉट एस दिस इज रेंज ऑन इनक्लाइंट प्लेन सो दिस इज आर दिस इज रेंज ऑन इनक्लाइंट प्लेन दिस इज आर ठीक है एंड दिस इज एस द मैक्म सेपरेशन बिटवीन द इनक्लाइंट प्लेन एंड द प्रोजेक्टाइल यही होगा मैक्सीम डिस्टेंस मैक्सिमम सेपरेशन है ना हाइस्ट पॉइंट पे तो ये मैक्सिमम सेपरेशन किसके डायरेक्शन में है डायरेक्शन ऑफ वाई प्राइम क्या प्राइम के डायरेक्शन में डायरेक्शन तो में हमें अगर कैलकुलेशन करना है तो सारे पैरामीटर्स को किसके डायरेक्शन में लिखूंगा मैं वाई प्राइम के डायरेक्शन में लिखूंगा ठीक है तो जिस डायरेक्शन में तुमको चाहिए मोशन के मोशन का कोई भी पैरामीटर जिस भी डायरेक्शन में चाहिए सारे के सारे पैरामीटर्स को उसी डायरेक्शन में लिख देंगे और फिर सिंपल जो इक्वेशन यूज करते हैं मोशन इन वनडी वाला वो यूज कर लेंगे ठीक है क्लियर सबको ये बात अच्छा विवेक सोया रह गया क्या तो पूछना उससे यहाँ पे जी नीचे की तरफ है ठीक है अगर मैं इसको इधर की तरफ इस कंपोनेंट लिखना चाहूँ जी को तो बताना जरा ये एंगल क्या होगा जी को मैं इस डायरेक्शन में लिखना चाहता हूं इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ठीक है ये एंगल बताना क्या होगा वट विल बी दिस एंगल सर बीटा बीटा होगा ठीक है ये एंगल बीटा है तो इसके परपेंडिकुलर ब्लैक और इसका परपेंडिकुलर इन लाइन का परपेंडिकुलर ये तो दो पर दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर के बीच का भी वही एंगल होता है देन दिस विल बी बीटा तो ये क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में जी क्या हो जाएगा इन वाई प्राइम डायरेक्शन दिस विल बी जी ऑफ साइन सॉरी कॉस बीटा क्या जी ऑफ कॉस बीटा हो जाएगा ठीक है एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू दिस ये एक्स प्राइम के हो जाएगा है ना और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा जी ऑफ साइन बीटा जी ऑफ साइन बीटा वेरी गुड ठीक है अब हमको कोई भी सारे पैरामीटर्स इसके लॉन्ग हो गए ठीक है ये यू जो था ये सपोज यू है तो इसके अलॉन्ग अगर मैं लिखूं इस लाइन के अलॉन्ग यू लिखूं मैं ठीक है मैं ग्रीन से करता हूं इसको तो क्या हो जाएगा बताना इसके अलावा लिखना चाहता हूं मैं यू, तो ये यू क्या हो जाएगा दिस यू कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या यस सर ठीक है एंड इन दिस डायरेक्शन वाई प्राइम डायरेक्शन इन वाई प्राइम डायरेक्शन ये क्या हो जाएगा यू साइन अल्फा माइनस बीटा क्या अच्छा yes, अब हमको निकालना है सारे पैरामीटर्स में लिख दिया यहां सब कुछ दिख रहा है तुमको लिखने की जरूरत नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन एक्स प्राइम डायरेक्शन और वाई प्राइम डायरेक्शन सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे सबको yes, ठीक है अच्छा फर्स्ट में मैं कैलकुलेट करूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट टी ऑन द इनक्लाइन प्लेन फर्स्ट में लिखना ए टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी ऑन द इंक्लाइन ऑन द इनक्लाइन ऑन द इनक्लाइन प्लेन तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा इस डायरेक्शन में यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट था जहां से चला था वाई प्राइम मान लो यहाँ जीरो था तो फिर से वापस ज़ीरो हो गया क्या ये यहाँ पे आया तो वाई प्राइम डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ वाई प्राइम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्या यस और नो देखो ना यहां से यहां तक फिर से पहुंच गया एक्स प्राइम से चला था फिर से एक्स प्राइम पे पहुंच गया वाई प्राइम तो ज़ीरो हो जाएगा

x t टी यू plus of half a x prime t square क्या ut टी प्लस हाफ है टी स्क्वायर ये नो और तुमको पता है y prime यू एक्स क्या है u x सॉरी मैं गलत लिख रहा हूं क्या y लिखूंगा ना यस और नो हर जगह पे y लिखूंगा मैं यू y prime एंड a y prime ठीक है तो यू वाई प्राइम क्या है हमारे पास यू ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा क्या इंटू टी प्लस ऑफ हाफ ऑफ ए वाई प्राइम क्या है मैं इस डायरेक्शन को जो वाई प्राइम डायरेक्शन है इसको अगर मैं पॉजिटिव ले लूं, तो नीचे जो जो होगा डायरेक्शन इसको मैं निगेटिव लूंगा क्या है ना? इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तभी लिखा हो तो ए वाई प्राइम क्या हो जाएगा

तो मैं कैपिटल टी डाल दूं टी टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ आने का टाइम है तो वाई प्राइम तो जीरो हो जाएगा उस टाइम पे यस और नो ठीक है देन 0 इज इक्वल टू u sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा कैपिटल टी प्लस ऑफ 1/2 ऑफ -g cos बीटा t स्क्वायर क्या क्लियर है यहां से क्या क्या आ जाएगा टी का वैल्यू फ्रॉम हेयर एक तो टी आ जाएगा जीरो एंड दूसरा टी विल बी क्या हो जाएगा यू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय वन बाय टू जी कॉस बीटा क्या यही होगा दिस डिवाइडेड बाय दिस एक टी खत्म माइनस साइन है

टी जीरो हो गया यहाँ तो मैंने पत्थर फेंका ही था जी कॉस बीटा देखो तो मैंने जो किया था स्टार्टिंग में मोशन इन वन डी में मैंने पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका था velocity से और नीचे की तरफ था क्या जी एक्सलेशन नीचे की तरफ था तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ रहा था टू यू बाई जी आ रहा था ठीक है इस केस में क्या हुआ कि उसके बाद मैंने ये दिखाया था कि बेसिकली ये कुछ नहीं टू यू जिस भी डायरेक्शन में हो ये ठीक है मान लेते हैं पी डायरेक्शन में है तो जी भी किस डायरेक्शन में होना चाहिए जी को भी उसी लाइन में होना चाहिए बात समझ में आया या इसको माइनस पी में लिख दूँ माइनस डायरेक्शन में ये लिख रहा हूं मैं कोई रैंडम डायरेक्शन नहीं ठीक है जैसे मैं एक्स डायरेक्शन में लिख रहा था वाई डायरेक्शन में लिख रहा था यू वाई प्राइम जैसे प्रोजेक्टाइल को मैंने ऐसे फेंका था ठीक है तो जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट था वो क्या था टू यू वाई बाई जी था क्या यस yes no. और नो और जी किधर लग रहा था जी किधर लग रहा था जी किधर लग रहा था हम लोगों का नीचे की तरफ लग रहा था तो यू और जी दोनों अपोजिट होने चाहिए क्या यस और नो यू और जी अपोजिट होने चाहिए यहाँ पे वाई yeah. प्राइम में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है यहाँ पे कि वाई प्राइम फिर से कब जीरो होगा

यस और नो याद रखने में कोई दिक्कत है देखो ना वाई प्राइम डायरेक्शन में, okay. है, y direction में y को जीरो किया है तो इसमें क्या इसका वेलोसिटी होगा टू यू डायरेक्शन में y direction में. तो y में में क्या है u दिस विल बी g इसके अपोजिट डायरेक्शन में जी कॉस बीटा g cos बीटा ठीक है हमेशा तो वही कर रहे हैं हम लोग यू यू टू यू वाई बाई जी कर रहे थे तो इस डायरेक्शन में था u और इस डायरेक्शन में g है ठीक है उसी तरह से मतलब कि समझ गए तुम लोग कैसे क्या करना है यहाँ पे ठीक है yes, इसको तुम लोग याद करने के लिए तरीका बता दिया है इसको याद रखना इस फमूला को ठीक है टाइम ऑफ फ्लाइट इनक्लाइन प्लेन अब यहां से कुछ भी होगा अगर मान लो इनक्नेशन जीरो हो गया जो बीटा है वो जीरो हो गया इसका मतलब ये एक्स और वाई हो जाएगा क्या है ना बीटा जीरो हो गया मतलब कि सिंपल मैंने यहां से प्रोजेक्ट कर दिया है क्या और yes no? इस केस में क्या हो गया बीटा जीरो से मैंने कर दिया है? ठीक है? तो बीटा को कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा टू अल्फा अल्फाई जी, अल्फा जी? तो लोग जानते हो टाइम ऑफ फ्लाइट जो प्रोजेक्टाइल होरिंटल से प्रोजेक्ट किया जाता है उसका क्या होता है प्रोजेक्ट किया जाता है यही होता है क्या यस और नो यस और अगर हम वर्टिकली प्रोजेक्ट करें वर्टिकली प्रोजेक्ट करें तो अल्फा नाइनटी हो जाता है क्या है ना वर्टिकली अगर ये तो ये तो अल्फा है अगर वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग तो अल्फा बेसिकली नाइनटी हो जाएगा ठीक है तो अल्फा अगर नाइन्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा टू यू बाई जी हो जाएगा जो कि सिंपल हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे ठीक है मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डी यस और नो यसर टू यू बाई जी होता था तो इस फॉर्मुले से सारा तुम बैक जा सकते हो जो भी तुम पढ़े हो सबका टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा इससे बस कंडीशन रखते जाओ बीटा जीरो हो गया तो क्या हो गया होरजोंटल प्लेन पे प्रोजेक्शन हो गया ठीक है अगर अल्फा भी जीरो हो गया मतलब कि तुमने वर्टिकली प्रोजेक्ट किया है प्रोजेक्टाइल को क्लियर है ये फॉर्मूला याद रख लेना क्लियर सबको यस सर नेक्स्ट बी में यही इसको मिटाओ कि इसको नोट करना यहां तक इसको नोट कर लेना यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई जी कॉस्पीट लोगों को प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन बहुत ही डिफिकल्ट लगता है डिफिकल्ट है क्या hmm? no. कुछ डिफिकल्टी नहीं है जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं क्या फिर से हम्म hmm? yes, ऐसा yes. कुछ तुम लोगों को लया नहीं कुछ नया हो रहा है बट एक्चुअल में नया नया चीजें हो रहा है बट तुम लोग लगेगा नहीं कि नया हो रहा है ठीक है क्योंकि मैं सारे चीजों को रिलेट कर देता हूँ जो पीछे पड़ते हैं उसमें लेट करते चलता हूं जिससे कि आसान लगे सारी चीजें ठीक है चलो नेक्स्ट हो गया नोट यस yes, इसको मिटा के फिर से यही लिखता हूं बी में लिखना रेंज अलोंग द ये क्या है यहां पे आर है वो ठीक है इनक्लाइंट के लॉन्ग जो रेंज होगा दैट इज आर बी में लिखना रेंज आर रेंज आर एलोंग द इंक्लाइन लॉन्ग द इंक्लाइन ठीक है तो बेसिकली हम लोग क्या निकालना है एक्स प्राइम निकालना है क्या एक्स प्राइम मैक्सिमम निकालना है क्या ये होगा रेंज ठीक है एंड यहां सबसे पहले हम लोग एक्स निकालते हैं ठीक है एक्स अगर एक्स प्राइम अगर निकालेंगे एक्स प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू एक्स प्राइम टी प्लस यहां से ये वैलिड कब तक रहेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू कैपिटल टी ठीक है क्या अब प्राइम क्या होगा है तुम लोगों को Ux prime बता। Ux prime will be, ये है क्या अल्फा माइनस बीटा एंड ए एक्स प्राइम क्या है ए एक्स प्राइम इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी साइन बीटा क्या माइनस लगाऊंगा yeah. है? माइनस ऑफ जी साइन बीटा यहां से अगर मैं एक्स प्राइम लिखूं, एक्स प्राइम

अब ये x प्राइम जो है x प्राइम मैक्सिमम कब होगा t पे क्या है ना t पे यहां पहुंच रहा है कैपिटल t पे so, एक्स प्राँग, एक्स प्राँग तो x प्राइम x प्राइम मैक्सिमम इज इक्वल टू दिस इज रेंज एंड दिस विल बी एट t इज इक्वल टू कैपिटल t ठीक है तो क्या हो जाएगा u ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा कैपिटल t माइनस वन बाई टू जी साइन बीटा कैपिटल टी स्क्वायर ठीक है कोई दिक्कत नो सर नो no, सर no, तो ये टाइम ऑफ टी क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट है और टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है अभी क्या कैलकुलेट किया है वेयर वेयर कैपिटल टी दिस इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट किया है टू यू एंड द

और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सलेशन है उस एक्सलेशन को लिखेंगे ठीक है अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों का रेशियो ले लेंगे यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा क्लियर है ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट इसको इसमें पुट कर देंगे तो हमारा रेंज आ जाएगा क्या यस नो टी को पुट कर देते हैं इसमें देखो तो क्या आता है यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इक्वल टू यू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा and capital t is nothing but 2u sine alpha minus beta divided by g cos beta take a minus of minus of half of g sine beta and t square is 2u sine alpha minus beta divided by g कॉस बीटा होल स्क्वायर क्या ठीक है ये होगा रेंज इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या करते हैं इसमें से टू यू साइन अल्फा क्या क्या कर सकते हैं हम लोग टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा जी कॉस बीटा अगर कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा क्या बचेगा ये बच जाएगा यू ये बच जाएगा यू अच्छा इसमें यू भी है और यहां भी यू है तो एक और यहाँ भी यू स्क्वायर हो जाएगा है ना स्क्वायर करूंगा तो, तो यू स्क्वायर कॉमन ले लो क्या बोलो यहां भी यू स्क्वायर है और यू U U स्क्वायर है तो U स्क्वायर है मैंने कॉमन ले लिया तो यू का यहां से चक्कर ही हटा दो ठीक है यू बाहर आ गया सारा अब ये क्या बच जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बच जाएगा क्या सिंपली ये वाला ठीक है टू यू स्क्वायर कॉमन लिया मैंने कोई दिक्कत यस और नो नो सर नहीं है माइनस ऑफ ये हाफ ऑफ जी हाफ ऑफ जी साइन बीटा हाफ ऑफ जी साइन बीटा और यहाँ ये है फोर यू स्क्वायर है ना फोर यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे तो यू स्क्वायर तो बाहर है और टू भी बाहर लिए यहाँ से तो ये बच जाएगा सिंपली टू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा क्या ये बच जाएगा है ना बेसिकली ये फोर यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा एक तो चला गया ना इसमें से टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया मैंने तो एक टू बचेगा यहाँ पे यू तो बाहर चला गया है टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस्बीटा इसमें कोई गलती नहीं है ना देख लो एक बार ठीक है देखो ना ये पूरे टर्म को मैंने ले लिया है बाहर ये पूरे टर्म को बाहर ले लिया है ठीक है और एक और यू बाहर लिया है तो ये सारा यू खत्म हो गया यहाँ से सिर्फ बच जाएगा टू साइन अल्फामाइनस बीटा बाई जी कॉस्बीटा क्लियर है इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा इस जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा ठीक है अगर मैं कॉस बीटा एक और कॉस बीटा बाहर ले लूँ मैं एक और कॉस बीटा बाहर लूंगा ये हो जाएगा टू यू स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा और यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इन कॉस बीटा माइनस ऑफ ये क्या हो गया साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन बीटा देखो तो कोई फॉर्मूला बन जा रहा है क्या है ये वाला टू यू स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी क्या कॉस ए प्लस बी होता है याद है यस और नो देखो ना हम लोग क्या लिखवाए थे पढ़े थे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसको लिख रहे थे हम लोग कॉस ऑफ ए प्लस बी को क्या यही होता था यस और नो इसको प्रूव भी किया था हम लोगों ने कैसे होता ये? वेक्टर है वेक्टर से भी देखा था इसको ठीक है ऑफ़ तो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया बीटा से बीटा कैंसिल हो गया ठीक है तो क्या बच जाएगा ये बच गया दिस इज इक्वल टू टू यू स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय जी डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा इनटू कॉस ऑफ अल्फ़ा क्या यस और नो ये बच गया तो यही हमारा हो जाएगा रेंज ये क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा रेंज हो जाएगा इसको कैलकुलेट इसको लिखना यहाँ तक इसको यहाँ तक जल्दी से नोट करना पास जो रेंज आया है रेंज क्या आया है रेंज दिस इज इक्वल टू टू यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर अच्छा यहाँ पे तुमने लिख लेना क्या यूज़ किया है मैंने ब्रैकेट में ठीक है क्या यूज़ किया मैंने कॉस ऑफ ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी ये यूज किया नहीं तो बाद में पढ़ोगे तो कंफ्यूज़ जाओगे मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कैसे आ गया ठीक है इसको लिख लेना ब्रैकेट में मैंने ये यूज किया यहाँ पे ठीक है क्या नेक्स्ट टू यू स्क्वायर मारे रेंज क्या है टू यू स्क्वायर साइन ऑफ टू यू स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा जी कॉस स्क्वायर बीटा ये हमारे पास रेंज है अच्छा ये फॉर्मूला था तुम लोगों ने देखा होगा क्लास टेन में टू कॉस ए कॉस बी अगर ऐसा है इसको क्या लिखते हैं हम लोग टू कॉस ए कॉस बी टू साइन ए कॉस बी अगर हो ये फॉर्मूला देखा है तुम लोगों ने टू साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है ये साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी जरा इसको साइन ए प्लस बी तो पता है तुम तो लोग क्या होता है साइन ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी ठीक है तो ये कैंसिल हो जाएगा साइन ए कॉस बी एंड साइन ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि टू कॉस ए टू कॉस ए साइन बी टू कॉस ए साइन बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या ठीक है ये बेसिकली टू कॉस ए साइन बी हो जाएगा अगर ऐसा लिख रहा हूं मैं तो टू कॉस ए साइन बी ये हो जाएगा कोई दिक्कत यस और नो तो यहां पे ऐसा लिख सकता हूं मैं यू स्क्वायर टू दिस इज कॉस ए एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा दिस इज कॉस बी टू साइन ए कॉस बी डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा तो टू साइन ए टू कॉस ए साइन बी क्या है साइन ए प्लस बी

ये अल्फ़ा ये अल्फा ये अल्फ़ा कैंसिल ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा बच जाएगा यहाँ पे दिस विल बी यू स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा एंड अल्फा टू अल्फ़ा माइनस बीटा टू अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस ऑफ साइन माइनस माइनस प्लस दिस इज बीटा ठीक है क्या डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा ये हो गया हमारा रेंज ठीक है दिस विल बी द रेंज और पहले जो आया था वो भी रेंज ही था हमारा बट इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है रेंज को इससे क्या बेनिफिट्स है ये मैं भी बता रहा हूँ ठीक है इसको लिख लेना रेंज को इस फॉर्म में यही फॉर्म याद रखेंगे हम लोग ये वाला फॉर्म याद ना रहे कोई बात नहीं ये वाला फॉर्म लोग याद रखेंगे ठीक है ये इम्पोर्टेंट फॉर्म है रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर इन टू साइन टू अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाई जी ठीक है क्या yes, अच्छा ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने जब आर मैक्सिमम निकाला था वहां देखा होगा तो आर मैक्सिमम के लिए जब होरिजेंटल प्लेन से करते हैं तो आर मैक्सिमम के लिए क्या होता था हमारा टू थीटा क्या होता था नाइनटी डिग्री क्या टू थीटा नाइनटी डिग्री होता था फॉर आर मैक्सिमम yeah. है ना तो थीटा yes, क्या हो गया था पाई बाई फोर हो गया था वही मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इंक्लाइंट से कितने एंगल पे फेंकूँगा कि आर हमारा मैक्सिमम हो जाएगा आर मैक्सिमम होने के लिए क्या ये बीटा तो इनक्लाइंट प्लेन तो कौन बीटा तो इनक्लाइंट प्लेन है ठीक है ये तो उनको दे दिया रहेगा कि ये इंक्लीशन का एंगल बीटा है अल्फा का वैल्यू बताओ ठीक है इनक्लिनेशन से कितना इस होरटल प्लेन से कितने एंगल पे फेंके कि हमारा प्रोजेक्टाइल का डिस्टेंस मैक्सिमम हो ठीक है फ्रॉम प्रोजेक्शन यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इंक्लाइन प्लेन पे वो मैक्सिमम हो तो हमारे पास बीटा तो कांस्टेंट है यस और नो हमारे पास टू अल्फा माइनस बीटा ये वेरिएबल रहेगा ठीक है तो मैक्सिमम होने के लिए मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए ये वाला चीज मैक्सिमम होना चाहिए क्या ये वाला ये तो कॉन्स्टेंट है ये वाला मैक्सिमम होना चाहिए बीटा भी कॉन्स्टेंट है नीचे कॉन्स्टेंट है यानी कि ये वाला हमारे पास मैक्सिमम होना चाहिए और इसको मैक्सिमम होने के लिए टू अल्फा माइनस बीटा को पाई बाई टू होना चाहिए क्या है ना तभी तो वन हो जाएगा इसका वैल्यू मोर मैक्सिमम होता है है ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज वन सो फॉर वन साइन साइन को वन होने के लिए स्टम को वन होने के लिए टू अल्फा माइनस बीटा शुड बी पाई बाय टू क्लियर है ये पाई बाय टू होना चाहिए यस और नो अब ये पाई बाय टू हो गया तो टू अल्फा इज इक्वल टू बीटा पाई बाय टू प्लस बीटा हो जाएगा यानी कि अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय फोर प्लस बीटा बाई टू क्या यस और नो पाई बाई फोर प्लस बीटा बाई टू क्लियर है सबको कोई दिक्कत यानी हो जाएगा फोर्टी फाइव प्लस बीटा बाई टू पे हम लोग प्रोजेक्ट करें तो क्या हो जाएगा हमारा रेंज मैक्सिमम होगा ठीक है ये ख़त्म होने वाला है हमारा ये इसको मैं स्नैपशॉट ले देता हूँ ये नोट हो गया था यहां तक ना ये भी नोट हो गया यहां तक yes, यहां तक यस सर नोट हो गया ठीक है अभी कुछ पॉइंट्स लिखते हैं ठीक है इसको खत्म कोई डाउट है यहाँ तक नो सर फिनिश